हाँ, आपका क्या नाम है? निशा। हाँ निशा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19 मार्च 2005। हाँ, तो इसका मतलब 31 मार्च 2019 को आप 14 साल और 11-12 दिन की होंगी है, 14 साल की हो गई आप है। तो क्या है आपका प्रॉब्लम, क्या बताओ? सर, मैं इस स्कूल में 9th पास की थी मैंने, और 10th में एडमिशन भी ले लिया था। 9th कौन से साल में पास करी थी? 2018-19 में 9th पास करके। 18-19 में आपने 9th पास कर ली, तो 19-20 में इसी साल आप 10th में पढ़ रहे थे स्कूल के अंदर, ठीक है? तो फिर क्या हुआ? 10th में पढ़ रहे थे तो मई में हमें गांव जाना पड़ा, हमारी ग्रैंड मदर की तबीयत खराब हो गई थी, फिर उनकी जुलाई में डेथ हो गई। हम अगस्त में 3rd अगस्त को यहाँ आ गए, 5th अगस्त को स्कूल गए थे, तो उन्होंने कौन सी अगस्त को गए थे? 5th अगस्त। ओके, फिर उन्होंने स्कूल में मना कर दिया कि आपका एडमिशन नहीं है, तो आप स्कूल मत आओ। फिर मैं 7th अगस्त को ऑफिसर के पास गई थी, उन्होंने ये लेटर दिया था। फिर उन्होंने लिखा आपको कि री एडमिशन दे दो 10वीं में एज पर रूल, ठीक है? ये आपकी चिट्ठी है। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा कि रूल के हिसाब से आपका एडमिशन 10th क्लास में नहीं हो सकता है। नहीं तो आप कौन से दिन गए फिर स्कूल में? ये आपको 7 तारीख को लिखा था ना, 7 अगस्त को? यस सर, 7 अगस्त 2019 को ऑफिसर ने लिखा था। फिर आप कौन से दिन गए थे स्कूल? 8 अगस्त को गए थे। 8 अगस्त को? तो क्या बोली प्रिंसिपल? प्रिंसिपल बोली कि उन्होंने कहा एज पर रूल, तो एज पर रूल तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, रूल के हिसाब से वो हमें पता है पर नहीं होगा। अच्छा, तो मना कर दिया आपको? यस सर। तो फिर आप किसी एमएलए के पास भी गए थे? यस सर। कब गए थे? एमएलए के पास 9 अगस्त को गए थे। कौन से एमएलए के पास गए थे आप? श्री दत्त सर। हाँ, इन्होंने बड़ी लंबी सोरी चिट्ठी लिख दी आपको। फिर क्या हुआ, इसको चिट्ठी लेके भी गए आप? कहाँ पे लेके गए थे इस चिट्ठी को? स्कूल। हाँ, फिर क्या कहते हैं वो? क्या हुआ चिट्ठी का? तो कोई वैल्यू नहीं है अभी। अच्छा, उन्होंने बोल दिया चिट्ठी का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, आप इनकी मदर है? क्या काम करते हो आप? सिलाई करते हैं, मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री में करते हो? हमारे कोई है नहीं। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? मैं अकेली लड़की कहाँ छोड़ूं। कितनी तनख्वाह मिलती है, पगार कितनी मिलती है आपको? 8,000 रुपया कमाते हैं महीने में। और आपके पति? नहीं है। क्या हुआ पति को? एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अच्छा 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 अच्छा। अभी सर का कहना है, प्रिंसिपल का, कि प्राइवेट से करवाओ। नहीं हो सकता, 11वीं में मैं ले लूंगा, मैं नहीं करवा पाऊंगी ना, इतना थोड़ी ना कमाती हूँ, इतना कमाती हूँ कि रोटी खिला पाती हूँ, पढ़ाई का खर्चा मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये लड़की तो इसकी लाइफ तो खराब हो गई। तो नहीं, वो मैं नहीं जानता हूँ ना, आप गांव जाओ, गांव रहो, गांव देखो, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ जी, तो चले आए, फिर हम आपके पास आए हैं। तो देखा ये केस निशा का, कि ये कुछ दिन स्कूल नहीं जा पाई, और जून जुलाई में तो वैसे छुट्टियां होती है, और अगस्त में जब आई तो प्रिंसिपल की मनमानी जो है, ये जो स्कूल है इसका, ये है RDJK गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल भजनपुरा, इसकी मनमानी देखिए आप, कि इसको जो है स्कूल से स्कूल में एडमिशन के लिए, मतलब री एडमिशन के लिए मना कर दिया, और इनको बोला कि आप जो है अब ओपन से या प्राइवेट से करो। है, अब ये गरीब बच्चा है, इसके फादर भी नहीं है, मदर फैक्ट्री में काम करती है, वो बच्चे को पढ़ाना चाहती है, लड़की भी पढ़ना चाहती है, और दिल्ली सरकार के स्कूल और स्कूल की प्रिंसिपल की मनमानी आप देखिए, कि इस बच्चे को जो है स्कूल में बैठाने से मना कर दिया है। तो मुझे लगता है कि सरकार को काफी गंभीरता से ये चीज लेनी चाहिए। ये तो एक बच्चा है जो मेरे पास आया है, मेरे पास इस तरीके से हजारों बच्चों को ये स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं है, बिल्कुल मनमानी ढंग से जो है काम करते हैं, और इनको कोई दर्द नहीं है बच्चों के प्रति। और ये देखिए लड़की है ये है, और बात करते हैं हम लड़की पढ़ाओ है, देश बढ़ाओ, क्या सब ऐसे ही लग रहा है कि खूब रोया, खूब हाथ जोड़ा उनके पास, कुछ नहीं, कोई असर नहीं है, कह रहा है कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ से आप जाओ, कहीं से लिखवा के लाओगे तो कुछ नहीं होगा। क्या है प्रिंसिपल का नाम, क्या पता है आपको? नहीं, प्रिंसिपल का नाम नहीं पता। मैडम है या जेंट है? दोनों है, मैडम भी है, जेंट्स ने। दो प्रिंसिपल है क्या आपके? प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। अच्छा, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, प्रिंसिपल तो लेडी है। वाइस प्रिंसिपल लेडी है। हाँ, प्रिंसिपल जेंट। अच्छा, प्रिंसिपल जेंट है। हाँ, तो निशा आप चिंता मत करो, हम इनको लीगल नोटिस देते हैं, और अगर लीगल नोटिस से ये समझ में नहीं आएगी इनको, तो हम आपका केस जो है हाईकोर्ट में डालेंगे, और आपको बिल्कुल पक्का आप जो है जाओगे अपने स्कूल में पढ़ोगे। है,
ठीक है ठीक है, एक बार मुस्करा दो, ठीक है, ओके, थैंक यू।